मनुष्य आत्माओं के नाम रूप गुण धाम में न फंसो। शिव बाबा ने जो नाम रूप गुण धाम पकड़ा हुआ है उसमें न फंसो। अरे अगर ऐसा होता कि शिव बाबा ने जो नाम रूप गुण धाम वाला पकड़ा हुआ है उसमें नहीं फंसना है तो मुरली में ये क्यों कहते कि सबसे अच्छा सहज याद का तरीका है नारायण को याद करना। तो नारायण को नाम रूप गुण धाम होता होगा या नहीं होता है, है? बायोग्राफी होती है या नहीं होती है? होती है। और कोई की बायोग्राफी को याद नहीं करता। क्राइस्ट को बिठाया है पवित्रता के कारण, क्या पवित्रता के रहस्य को दूसरे धर्म के लोग नहीं समझ सके, इसलिए क्राइस्ट को भी उन्होंने उसी दृष्टि से देखा। ये ढेर की ढेर कन्या माता है इसके पीछे फिदा हो रही है, ये इनको अपवित्र बनाता होगा, नीचे गिराता होगा। ऐसे समझ लिए पवित्रता की बात थी। हालांकि क्राइस्ट ने कोई पवित्र रहना नहीं सिखाया, क्राइस्ट की जो पवित्रता की कोटि थी वो शिव बाबा की एवर प्योर कोटि के समान नहीं हो सकती। शिव बाबा एवर प्योर है तो ऊंचे से ऊंचे पवित्र देवता बनाता है। क्राइस्ट आदि धर्म पिता है दुनिया के लोगों को पवित्र नहीं बना सके, दुनिया फिर भी नीचे गिरती है। हाँ धर्म की कामना टाइम टू टाइम आकर के गिरती हुई सृष्टि को तेजी से गिरने से बचाया है। जैसे मकान पुराना होता है तो कोई होशियार कारीगर आकर के मरम्मत कर देता है तो मकान उसी तेजी से गिरता रहता है या थम जाता है। थम जाता है। जन्म में निरोगी काया उनकी बनेगी जो सिर्फ मुझे को याद करेंगे और कोई दूजम को याद नहीं करेंगे। कोई दूसरे से दिल लग गई तो याद आएगा कि नहीं है? फिर तो जरूर याद आएगा और दिल कब लगती है, किसी से दिल कब लगती है? है अरे रज रज की आंखों से देखा होगा, इंद्रियों से अनुभव किया होगा, संग किया होगा तो याद जरूर आवेगी। दूसरे की याद आवे भी तो बेबिचारी याद हुई या बेबिचारी याद हुई?
विविचारी याद हो गई, फिर दोबारा की नहीं है इस बात की भाई कल्पतरु का मतलब क्या है? अवश्य अवश्य एक कुमार पवित्र सात ब्राह्मण सात ब्राह्मण से संबंधित है। आप कुमार अब कुमार से अगर कुमार अगर कुमारी कुमार राज कुमारी के लिए क्या है? वो तो शादी कर चुके हैं, दुनिया का सुख लिया ना, कौन को पहन के कैरी करते हो कुमार और कुमारी है? हाँ कुमार कुमारियां जिनकी पूजा होती है कुमारियों की, और कहाँ अगर कुमार कुमारियां जो सबके पांव छूती फिरती है, तो अंदर नहीं पड़ेगा है? अंदर पड़ेगा कि नहीं? हाँ ज्ञान में आने से पहले शादी हो गई तो दूसरी बात, परंतु अब तो जान गए ना, तो ज्ञान में आने के बाद बोलते हैं शादी बर्बाद, फिर भी जान बुझ करके सारी दुनिया के सामने झुके जाके तो शिव बाबा को भूलते रहे। ज्ञान के बाद पहले शादी करना तो खुद मैंने ज्ञान का आने पहले शादी करना पहले ज्ञान को आने का पहले ज्ञान में आने के पहले शादी वो तो सारी दुनिया करती रही है, वो तो एक गुना पाप हुआ या सौ गुना पाप हुआ, और ज्ञान में आने के बाद तो सौ गुना पाप चढ़ जाता है, बोझा ज्यादा हो जाता है। तो जिसके ऊपर ज्यादा बोझा हो और एक हल्का हो, तो जो हल्का होगा वो ऊंचा उड़ेगा, या जिसके ऊपर वजन रखा हुआ है वो ऊपर उड़ेगा, जो हल्का होगा ज्यादा ऊंचा उड़ेगा। तो अंतर पड़ जाता है अधर कुमारी और कन्या कुमारी का। वर्तमान में आया है ये आगे चलकर खेल में खेल आता रहेगा, तुम देखते जाओ इसका मतलब क्या? साक्षी होंगे देखो खेल में खेल होता है, एक ड्रामा में दूसरी ड्रामाबाजी शुरू होती रहेगी। और बाबा कल्पतरु काया कल्पतरु का मतलब क्या है? नया वृक्ष बन जाएगा, तरु माने पेड़, तरु माने पेड़ कल्प वृक्ष वृक्ष माने जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा जो शरीर रूपी वृक्ष है वो सुंदर बन जाएगा अगर याद में रहेंगे निरंतर तो। बाबा जो बूढ़ा बूढ़ी होने से जो बेड पर पड़े रहते हैं, जो पड़े रहते बेड पर जो पड़े रहते बीमार होते हैं, उनका क्या अच्छा किया जाता है? उनका क्या किया जाता है जो उनका अच्छा है? क्या अच्छा किया जाए? शिव बाबा को याद करके उनके ऊपर जैसे टॉर्च की लाइट फेंकी जाती है, ऐसे बाबा के साथ बैठ करके सर्च लाइट दो। उस जन्म में उनका पाप सब कट जाता है क्या? अरे जब आप उनको सहयोग दे रहे हैं तो कटेंगे नहीं, फिर वो खुद जितना याद करेंगे, पड़े पड़े जाओ तो कोई काम धंधा होता नहीं है, है? बैंक पर पड़े पड़े बाबा को याद करो। आज तक तो डॉक्टर लोग गोलियां ऐसी दे देते हैं दर्द वर्द सर 24 घंटे के लिए खलास हो जाता है, तो गोलियां डकारते जाओ याद करते जाओ। उनका तो स्मृति विस्मृति हो जाता है, स्मृति तो चली जाती है उन लोगों का बेड पर पड़े रहने से, ज्यादा नहीं पड़े रहने से स्मृति चले जाती, स्मृति चली जाती है, बेहोश हो जाते हैं, उन्होंने दूसरों को बेहोश किया होगा वो बेहोश रहेगी। गीता में कभी लिखा हुआ है भक्ति योग श्रेष्ठ और कभी लिखा है ज्ञान योग श्रेष्ठ, क्या गीता में लिखा हाँ। है कि भक्ति योग श्रेष्ठ और कभी लिखा है ज्ञान योग श्रेष्ठ, हाँ। इन दोनों में कौन का योग श्रेष्ठ है और कौन का योग लिखने वाला कौन है? कौन है लिखने वाला? कौन है लिखने वाला? लिखने वाला कौन है?
अरे बताओ नहीं बताए मनुष्य गुरु है, मनुष्य गुरु की बुद्धि चंचल रहती है या स्थिर रहती है? अगर चंचल बुद्धि कभी कुछ करेगा कभी कुछ, भक्ति मार्ग में तो सारा पागलपना है, एक बार पे टिकते ही नहीं। भगवान चाहिए है? एक एक ज्ञान चाहिए और दोनों चाहिए, भक्ति और ज्ञान। भक्ति कहाँ से कब से भक्ति की है? अभी अभी थोड़ा एडवांस ज्ञान की और कह रहे हैं क्या से पढ़ो पढ़े लिखे बाबा। हाँ जगदीश प्राइम का जो है जब बोला है कि जब अंतिम नारायण बन गए तो सत्युग में ऐसा सावत से वो क्या चीज लेते हैं जिससे कि राधे समाप्त होकर चंद्र सत्युग की बात नहीं है, सत्युग में पुरुषार्थ नहीं होता है, ये यहाँ संगम युग की बात है जो वहाँ गायन में चलती है। तो गायन सत्युग त्रेता का है नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में सत्युग त्रेता वालों का समझते हैं क्योंकि संगम युग का उनको पता ही नहीं। तो बाबा वहाँ पे क्या था, ऐसा क्या चिंता वहाँ का सिर्फ गायन है करते हैं, झूठा गायन है, सच्ची बात कहाँ की है? संगम युग में जो आर्य समाज में कन्वर्ट होने वाला नारायण है वो संगम युग में हवाई जहाजों में घूमता रहा होगा, ब्राह्मण परिवार से मान मर्तबा लेता रहा होगा, झूठी सच्ची किताबें छपा करके मोटे मोटे ग्रंथ छपा करके करोड़पति बनता रहा हूं। जो काम करना चाहिए ब्राह्मणों को ज्ञान लेना और ईश्वर का ज्ञान लेना, ज्ञान की बातों पर मन चिंतन मंथन करना वो नहीं किया, शास्त्रों को पढ़ना और शास्त्रों की बातें सुनाना दूसरों को, तो उससे दुनिया का और अपना नुकसान हुआ या भगवान को प्रत्यक्ष किया? नुकसान हो गया। इसलिए बताया कि उसके ऊपर लोम चढ़ गया। किसका लोम चढ़ गया? जिसने ज्ञान सुना, मनन चिंतन मंथन किया और मनन चिंतन मंथन करके सार निकाल करके दूसरी आत्मा का कल्याण किया, उसका लोम चढ़ गया उसके ऊपर। था तो नारायण सत्युग का मालिक बनने योग्य बना, लेकिन फिर लोम चढ़ गया और वो लोम उतारने की कोई गुंजाइश रही ही नहीं, यहां तक कि सारी राजाई लोन में डूब गई और राम वाली आत्मा राम राजा जो प्रजावर्ग में थी, प्रजावर्ग में भी बहुत बड़े बड़े साहूकार हो जाते हैं ना, तो यहाँ संगम युग में प्रजावर्ग में वो साहूकार आत्मा थी ज्ञान धन की, जिसका ज्ञान धन ब्राह्मण परिवार के काम में आता है, राजधानी स्थापन होती है। और शंकर का नाम साथ साथ जुड़ा है, शिव और शंकर का नाम साथ साथ जुड़ा है क्योंकि शिव शंकर, शिव शंकर का नाम साथ साथ जुड़ा है। शिव शंकर का नाम क्या है? जुड़ा है, साथ साथ जुड़ा है, साथ साथ जुड़ गया ना, जुड़ गया क्योंकि शंकर भी 100% का बाप समान बनता है, तो फिर जो अष्ट देव 100% का बाप समान नहीं बनता है। शंकर शिव समान तो बनता है लेकिन 100% बाप समान नहीं बनता है। क्यों? संगम युग में ही अल्पकाल के लिए बनता है क्या? सत्य चेतन में बनता है क्या? द्वापर कलयुग में बनता है क्या? तो 100% नहीं बनता है, उसे एवर प्योर नहीं कहेंगे, सदैव प्योर रहने वाला। सत्युग त्रेता में आत्मा की शक्ति छीन होती है कि नहीं होती है? भी छीन होती, धीमी गति से छीन होती है। द्वापर कलयुग में तीव्र गति से छीन होती, जैसे और आत्माओं की छीन होती है वैसे राम की आत्मा की शक्ति भी
उतनी तीव्र गति से क्षीणन नहीं होती है, जितनी और धर्म की आत्माओं की शक्ति क्षीण होती है, धीमी गति से क्षीण होती है। जैसे इब्राहिम का बीज रूप भक्ति मार्ग में शंकर का बच्चा कहते हैं कार्तिकेय, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने कराने का निमित्त बनता है, जिसे पैदा हुआ बच्चा इब्राहिम का आधारभूत बनता है द्वापर में, वो आत्मा लिंगता के खत्म होने पर और द्वापर के शुरू होने पर दुनिया की सबसे जाति पतित आत्मा बन जाती है या औरों के मुकाबले कम बनती है, जाति पतित बन जाती है, जो सबसे जाति से जाति पतित बनती है आत्मा, उसी में ऊपर से आने वाली आत्मा प्रवेश करती है। 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें जो जो पहले पहले पतित से पर पतित बनता है द्वापर कलयुग, उसी में ऊपर से आने वाली आत्माएं नंबर बार प्रवेश करती है। बीके में अभी प्लैटिनम जुबली मनाते हैं, बीके में अभी प्लैटिनम जुबली मनाते हैं, क्या वो डायमंड जुबली मना सकते हैं? वो मनाएंगे, वो बाद में मनाएंगे क्या डायमंड जुबली? दुनिया वाले कुछ भी मनाए, वो कुछ भी मनाए, मनाने से क्या होता है? अरे मनाने से कुछ होता है क्या है? हाँ जी, दूसरे धर्मशास्त्रों की बात करता हूँ, दूसरे धर्मशास्त्रों की बात करता हूँ, दूसरे धर्म पिताओं की बात करता हूँ, मालूम पड़ता है क्या? मालूम पड़ता है क्या? जैसे सनातन में संधान करते हैं, दूसरे धर्म वाले संगम युग में परमधाम नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था होगी नहीं, वाणी से परे जाएगी आत्मा, तभी तो परमधाम जाएंगे, बड़े सजाएं खा करके जाए, जाना तो पड़ेगा। माताओं कन्याओं में प्योरिटी की पावर ज्यादा है नहीं, माताओं कन्याओं में पवित्र रहने के प्रति भावना ज्यादा है, और बोला कि पुरुषों में उनको तो पुरुष अपवित्र बना देते हैं, तो शक्ति क्षीण होने से उन्हें तो ज्ञान की बातें भी याद नहीं रहती, ऐसी ऐसी गुणियां भी हो जाती है, तो है नहीं शक्ति, शक्ति स्वरूपिणी, लेकिन जब बाप आते हैं तो भावना के आधार पर कन्याएं माताएं उनकी शुद्ध भावना रहती है ना भगवान के प्रति, तो शुद्ध भावना होने के कारण, समर्पण भाव होने के कारण, जन्म जन्मांतर का स्वभाव होने के कारण कन्या माताओं का समर्पित भाव होने वाला भाव उनको ऊंचा चढ़ा देता है, शिव की शक्ति बढ़ा देता है। बोला है कि पुरुष की याद की पावर ज्यादा है, माता और कन्या की प्योरिटी की पावर ज्यादा है, तो बाबा याद से ही तो प्योरिटी की पावर आती है। जब विनाश होगा तो आधे पवित्र और आधे अपवित्र बचेंगे, आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे, तो विजय माता की दाने बचेंगी, कन्या माताएं पवित्र बचेंगी, पापा पुण्यात्मा बचेंगी, और पुरुष सब क्या हो जाएंगे? रुद्र माता के मन के जन्म जन्मांतर राजा बन के पाप किए हैं कि रानियों ने ज्यादा पाप किए? राजाओं ने ज्यादा पाप किए, तो पापात्मा बनकर के रह जाएंगे, बाहर की दुनिया में सेवा करें,
भटक भटक के विदर्भियों के बीच में, और कहते हैं माता है आनंद से नहीं दुनिया में आनंद से आदि महात्मा और आदि पुण्य आत्मा नंबर वन बचे तो कौन शक्तिशाली हुए हैं? कन्या माता ज्यादा शक्तिशाली हो गई ना, तो शक्ति जो शिव बाबा से मिलती है व्यक्ति की। बाकी असुर ज्यादा पावरफुल होते हैं या देवताएं ज्यादा पावरफुल होते हैं? असुर ज्यादा पावरफुल होते हैं तो पुरुष भी अभी तर से भी ज्यादा पावरफुल हैं, बुद्धि से भी ज्यादा पावरफुल हैं, और धन भी सारा अपने बैंक बैलेंस में रखते हैं। तन मन धन समय संपर्क संबंधी सबको अपने कंट्रोल में करके रखते, तो ज्यादा पावरफुल कौन है? पुरुष है या स्त्री है? पुरुष ज्यादा पावरफुल। और कमजोर कौन है? कन्या माता है कमजोर। तो जो निर्बल है उन्हें निर्बल के बलराम कहे जाते हैं। जो कमजोर होते हैं गरीब होते हैं, गरीबों का गरीब निवास शिव बाबा बन गया है। और बाबा ऑस्ट्रेलिया में 200 का नंबर है, है? ऑस्ट्रेलिया में 200 का नंबर है। आत्मिक स्थिति की बात है, स्त्री पुरुष की बात नहीं है। अष्टदेवों में आने के लिए 108 में आने के लिए, 16108 में आने के लिए, या 1000 ब्रह्मा की भुजाओं में आने के लिए स्त्री पुरुष का सवाल पैदा नहीं होता है। कौन सा सवाल है? आत्मिक स्थिति पहले पहले कौन धारण करता है? शंकर है, जब हाई जंप लगाएंगे तो बैल पर सवार हो जाएंगे। तो अभी तक क्या पूछना क्या है? आदमी जब अज्ञान के लिए से उठता है तो पड़ा हुआ होता है या बैठा हुआ होता है या चलता हुआ होता है या दौड़ता हुआ होता है या उड़ता हुआ होता है या हजम लगाता हुआ होता है? तो सोता हुआ पड़ा हुआ होता। तो ज्ञान में आने के तुरंत बाद हम पड़े हुए थे या दौड़ रहे थे पुरुषार्थ? धीरे धीरे उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे या एकदम पहली सीढ़ी छलांग लगा के ऊपर चढ़ जाएंगे? धीरे धीरे चढ़ेंगे ना। शंकर को भी याद में बैठे हुए दिखाते हैं ना, तो याद में पुरुषार्थ करने वाले मनुष्य बैठते हैं या भगवान बैठकर? मनुष्य बैठे। शंकर का नाम शंकर इसलिए ले लिया है, उसमें ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है, शिव की सोल भी प्रवेश करती है, और अपनी राम वाली आत्मा की भी सोल है। तीनों आत्माओं का संकरण है एक ही शरीर में, इसलिए नाम जाते दिया शंकर। बाकी ऐसे नहीं है कि वो भगवान बन गया, पुरुषार्थ ही है ना। तो पुरुषार्थ में धीरे धीरे ऊपर चढ़ना होता है, ऐसे नहीं कि आखिरी स्टेप एकदम बैल ब्रह्मा के ऊपर सवार हो जाएगा और शिव समान बन जाएगा। जैसे शिव है ना, बैल के ऊपर एक मोटा मोटा गुम्बड़ा शिवलिंग रखा रहता है कंधे पर, वो तो सदा उसके ऊपर रखा हुआ है। याद बात दिखाई, क्या शंकर भी सदा रखा हुआ है पीठ पर? जब वो भी बैठ जाएगा तो सब शिव समान बन जाएगा। ऐसे नहीं कि अभी कोई हाई जंप लगा के बैठा हुआ है, बैठा हुआ है क्या? नहीं, अभी तो
शर्मा वाली आता है बीच बीच में इंटरफियर करके बोल देती है, बोलती है कि नहीं बोलती है। सावित्री सत्यवान क्या पूछ रहे? सौ इत्री, इत्र माने गुणों की सुगंध, जिसमें सौ प्रकार के गुणों की फूलों की सुगंध भरी हुई है, वो है सावित्री माने लक्ष्मी। और सत्यवान जैसे कहते हैं धनवान, जिसके पास अभूत धन भरा पड़ा है, वो है धनवान। तो कौन है जिसके पास अभूत धन भरा पड़ा है? कोई है या नहीं है? शिव बाबा जिसमें प्रवेश करता है उसमें अभूत ज्ञान धन भरा पड़ा है, इसलिए वो शक्तिवान है। और जिसमें अभूत गुण भरे पड़े हैं वो सावित्री। सौ इत्री दोनों शब्दों को मिला दिया तो हो गई सावित्री। बाबा शिव को नीलकंठ कहा जाता है, शिव को नीलकंठ कहा जाता है, शिव को नीलकंठ कहा जाता है। बाबा मुरली जी को बाकी बोलते हैं कि भक्ति मार्ग में कहते हैं कि विष पीते पीते शंकर का गला ही काला हो गया, ऐसे कहते हैं ना। तो नीलकंठ दिखाई दिया है, नीलंगा बनाई दिया है, कौन का गले रूपी अंश नीला पड़ गया। लेकिन बोले में क्या बोला? अभी बाप कहते हैं कि बच्चों को यह बात समझाते समझाते गला ही सूखा जा रहा है, बात की गहराई कोई को समझा ही नहीं पाते, न दुनिया वालों को समझा पाते हैं और न ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा पाते, नहीं समझा पाते हैं तो वो लोग हावी हो जाते क्या? नहीं समझा पाए किसी को तो हमारे ऊपर हावी होगा ही नहीं, हावी हो जाते। तो बात क्या है, गला काला हो गया, इसका क्या मतलब हुआ है? गला काला हो गया का मतलब जो विषय विकार हैं वो कुसंगियों का ले रहे हैं या सत्य का संग ले रहे हैं? शंकर जी दुनिया में सबका कुसंग है या कोई सत्संगी भी है? कोई है ऐसा जो सत्य ही बोलने वाला हो वाचा से, सत्य कर्म ही करने वाला हो? है कोई सत्य दृष्टि ही रखने वाला हो? नहीं। तो सब क्या है? कुसंगी। तो जिनका जिनका भी संग करता है वो सब क्या है? कुसंगी है। लेकिन कुसंग का असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? संग का रंग जरूर लगता है। एक ही आत्मा है सुप्रीम सोल शिव, जिसको संग का रंग नहीं लगता है। लेकिन वो शिव क्या शंकर में सदैव प्रवेश होके रहता हुआ है? दो बैलों की जोड़ी तो गाई हुई है। आज में कांग्रेस का चिन्ह क्या था? दो बैलों की जोड़ी। यदि कि आज में भी दोनों बैल थे या नहीं थे? थे। तो आज से ही ये धोबी घाट चलता चला आ रहा है, तो थे तो दोनों बैल। लेकिन जब दो बैल होते हैं तो आपस में लड़ाई भी लड़ते हैं कि नहीं? लड़ाई लड़ते जो ज्यादा पावरफुल होता है वो दूसरे को मार देता है। तो मुरली मुरा आराम फेल हो गया, जो फेल हो गया वो चलता बना।
और ब्रह्मा वाली आत्मा पावर रूप बन गई। उनके नाम पर सारी संस्था का नाम पड़ गया, क्या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, और बाप को सब सब भूल गए। तो क्या गड़बड़ हो गया है? ज्यादा संस का रंग किसने लिया होगा? दोनों बैलों में, अरे बैल है तो बैलबाजी तो दोनों ही करते हैं, लेकिन ज्यादा संघ का रंग किसने लिया होगा? जो बड़ा बैल होगा उसने ज्यादा संघ का रंग लिया, लिया तो, लेकिन कमजोर फिर कौन बनेगा? अरे जिसने ज्यादा संघ का रंग लिया वो कमजोर बनेगा, ये जिसने ज्यादा कम लिया वो कमजोर बनेगा? ज्यादा जिसने संघ का रंग लिया वो कमजोर बन गया, कमजोर बनने के कारण फेल हो गया। फेल क्यों हो गया वो भी कारण बताया, क्या बताया? उस समय पूरा ज्ञान नहीं था, बाप की पूरी पहचान नहीं थी, और अब अभी तो बाप अभी वही बात चल रही है कि बदल गई? अभी तो बात ही बदल गई। उस समय तो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली ही नहीं थी, और अभी तो पूरी वेदवाणी सामने आ गई, सारी बातें क्लियर हो गई। तो जो सारी बातें क्लियर तो हुई, ज्ञान तो पूरा मिला बाप का, बाप की पूरी पहचान भी मिल गई। तो पूरी पहचान मिलने से पहले जैसी स्टेज बनी रहेगी या कुछ अंतर होगा? क्या अंतर पड़ा? यही अंतर पड़ा कि पहले विश्व जो है कपाल तक घुस गया, बुद्धि खराब कर दी, और अब गले तक फैल जाता है। क्या बुद्धि उपराम रहती है? बुद्धि संघ के रंग से उपराम रहती है, तो गला सार तक काला हो गया, सहस्त्रा सार तक या खोपड़े तक वो विषय विकार का रस नहीं पहुंच सका। इसलिए दिखाते हैं शंकर जी का गला काला हो गया, परंतु ये बात न तो बच्चे खुद समझ पा रहे हैं और न दूसरों को समझा पा रहे हैं। इसलिए क्या अंतर पड़ता है? दूसरों को न समझा पाने के कारण क्या होता है? खुद की भी अवस्था खराब होती है। जो बाबा ने मुरली में बोला शंकर के वंडरफुल पार्ट को तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते, जब खुद नहीं समझ सकते तो दूसरों को कहां से समझाएंगे? खुद नहीं समझ सकते हैं तो खुद ही कौन है आपके भगवान का रंग? खुद भी कहानी आपसे देखते हैं, फिर कान होंगे बच्चे भी कैसे पैदा होंगे? कान ही बच्चे पैदा होंगे। और संकल्प दो प्रकार के होते हैं, संकल्प दो प्रकार के होते हैं, अच्छे बुरे। तो आपने कहा कि अच्छे संकल्प होते हैं तो वो कर्म में आएंगे, तो जो बुरा संकल्प होता है क्या वो कर्म में होता है? बुरे संकल्प आते हैं तो बुरे संकल्प वाचा में नहीं आ सकते, आते वाचा में आएंगे तो कर्मणा में नहीं आ सकते, कर्मेंद्र में नहीं आते। हाँ, कन्याओं की थोड़ी हिंदुस्तान भारतवर्ष में संभाल ज्यादा की जाती है, और कुमारों की उतनी ज्यादा संभाल नहीं की जाती है। खुले बछड़े होकर दुनिया में घूमो तो उनको मौका ज्यादा मिलता है संघ के रंग में आने का, और कन्याओं को मौका उतना नहीं मिलता। तो कन्याएं समझती हैं कि कर्मेंद्रियों से कैसे नीचे गिरे, परंतु ऐसा नहीं है। कन्याओं को भी अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो भी उनको भी संघ का रंग लगेगा, कर्मेंद्रियों
इंद्रियों से ऊपर पाप कर्म कर बैठेंगे। और पाँच सौ सात सौ करोड़ आत्मा अभी तो 700 करोड़ से ज्यादा होती है। हाँ 750 करोड़ होने वाले होंगे। 750 करोड़ आत्मा है बाबा को मानने वाले हैं। 500 करोड़ तो है बाबा को मानने वाले। 1200 मानेंगे तो बाबा को 500 करोड़ फिर बनेंगे। हाँ वो ठीक है ब्राह्मण साहब बनेंगे। जो 200 करोड़ है वो नहीं मानेंगे। वो तो कीड़े मकोड़े हैं ना। जो 700 करोड़ से ज्यादा होंगे उनका क्या होगा। 500 करोड़ से जो ऊपर है 550 करोड़ से ऊपर वो तो सब कीड़े मकोड़ों जैसे रात में दिवाली पर ढेर सारे पतंगे पैदा होते हैं और सवेरे को खत्म हो जाते हैं। वो तो कीड़े मकोड़े हैं उनमें मनुष्यों जैसी अकल है ही नहीं। उनकी तो बात छोड़ दो। साइंटिस्ट कहते हैं साइंटिस्ट को प्रेडिक्शन देते हैं कि 2012 में थोड़ा सूर्य का ताप बढ़ेगा और फिर ज्योतिष शास्त्र वाले कहते हैं 2012 में तो कुछ होने वाला है। ये ऐसा कहते हैं वो वैसा कहते हैं वो वैसा कहते हैं ये ऐसा कहते हैं हम बुद्धि किस में लगाए सफाई भी लेते हैं और कितना चौंका दे तो कह दो तुम अपनी बात से बाबा उसमें विश्वास है कि नहीं कि दुनियावादों की बातों का असर ज्यादा पड़ जाता है। नहीं झूठ बोलते असर पड़ता है तभी तो भाई सवाल तुम पूछ रहे फैसला नहीं कर पाए तभी तो पूछ रहे। अगर तुमने फैसला कर लिया होता कि शिव बाबा जो कुछ कहते हैं तो सच्चा बाकी दुनिया जो कुछ कहती है दुर्गा झूठ सारी दुनिया झूठी एक शिव बाबा सच्चा जो एक सच्चा है वो सत्य का स्थापन सत्य में स्थापन करता है। तुम्हें विश्वास होगा तो बड़ी सभा उठाते ही क्यों की बात आगे पक्की बन जाओ। मैं तुम्बच से बात करता हूँ ये ब्रह्मा बीच में सुन लेता है तुम्बच में पूर्ण रुद्र वाला नहीं मांगे जो सामने यहाँ बैठे हुए उनसे थोड़े बात करता हूँ जो ब्रह्मा से चिपके हुए हैं ब्रह्मा की गोद में पले ब्रह्मा की गोद से रखते थे उनसे बात करता हूँ क्या अभी करता हूँ बाबा कहते मैं उनसे बात ही नहीं करता जो मेरे को पहचानते नहीं मैं उनसे बात ही नहीं करता। मैं किनसे बात करता हूँ जो मेरे को पहचानते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं मेरी बात पर मन चिंतन मंथन करते हैं मन चिंतन मंथन करके सार निकालते हैं मक्खन निकालते हैं मक्खन दूसरों को खिलाते हैं। मैं उनसे ही बात करता हूँ क्या तो ब्रह्मा से भी बात नहीं करता हूँ। ब्रह्मा से बात करते हैं नहीं तुम बच्चों से बात करता हूँ जो मेरे सन्म को बैठते हैं प्रैक्टिकल में दूसरों से मैं बात करता ही ना उनसे बात करता हूँ और ना वो जीते जी स्वर में जा सके। बाबा हरिश्चंद्र का मिसाल किस पर लगता है मुरली में जो हरिश्चंद्र का मिसाल आता है किस पर लगता है। हरि माने हरि माने क्या है हाँ हरि हरि किसको कहते वो तो हर का भी अर्थ ये है हर माने हरा करना वो शंकर का टाइटल है हर और हरि विष्णु का टाइटल माने कृष्ण जो कृष्ण है उसको कहते हैं हरि और चंद्र क्या हरि क्या है चंद्रमा है हरि चंद्र तो वो चंद्रमा जिसके मस्तक पर बैठा हुआ है शंकर के मस्तक पर बैठा हुआ है उसी के लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है सतयुग आदि में हरिश्चंद्र का राजी था। हरिश्चंद्र का कौन सा गुरु प्रसिद्ध दिखाया गया है शास्त्रों में
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो कलयुग में सभी सच्चे होंगे या एक हरिश्चंद्र ही सच्चा था? तो सभी सच्चे होंगे, लेकिन बात काम की है, संत विधि की बात है। शिव बाबा जैसा जैसा बोलते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा, वही बातों का सही अर्थ हरिश्चंद्र उठाता है, बाकी दूसरे लोग कुछ न कुछ उसमें मिस कर देते हैं अपने स्वार्थ के अनुसार। जीव की जो शिव बाबा की वाणी कोई नहीं सुनाते, इसलिए एक का ही गायन है हरिश्चंद्र, और दूसरा क्या गायन है उसमें? निर्मोही राजा हरिश्चंद्र, पत्नी बाल बच्चों का कोई कोई वो नहीं रहा। और ये उड़ीसा जाने वालों को नहीं सुनाई पड़ता है। ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में रात में आते हैं, इसका क्या कारण है ये पूछा? चंद्रमा का परिकल्पना है, रात में चंद्रमा निकलता है, तो ब्रह्मा चंद्रमा है या सूर्य है? ब्रह्मा चंद्रमा है, तो कब निकलेगा? रात में ही आते सवेरे होते बात करते। राम के मुख पर संगमयुग में चंद्र बैठता होगा, पहले राम की पहले चंद्र, राम की आत्मा है तो चंद्र उस पर बैठेगा, है ही नहीं तो बैठेगा कहां से? रामचंद्र कहते शिव मंदिर में जो बैल है ना, उनको बोलते हैं नंदी महाराज, और भूंगी का स्टैच्यू नहीं है, नंदी भूंगी दोनों था ना, तो नंदी महाराज का एक बैल है शिव मंदिर में, वो माली लोग बोलते हैं वो नंदी महाराज, और भूंगी का स्टैच्यू नहीं है, नंदी भूंगी का बैल में आ सकते हैं, नंदी भूंगी, नंदी भूंगी दोनों है, नंदी का है पर भूंगी का कुछ नहीं, नंदी का दिखाते हैं भूंगी का नहीं दिखाते हैं, बेहद कम क्या इस तरह दिखाते हैं भूंगी का नहीं दिखाते, नंदी का होते हैं रंगी। शिव बाबा का बच्चों की जमात दिखाई जाती है टीवी में, देखी होगी नंदी को भी मोटा ताजा सिंगों वाला दिखाते हैं, दिखाते हैं ना, और रंगी को भी दिखाते हैं कि नहीं? उसकी वेशभूषा देखी है, एक सिंग वाला दिखाते हैं, क्या दो सिंगों वाला नहीं एक सिंग वाला, वो दो सिंगों वाला है कौन? नंदी जो ब्रह्मा की आत्मा है ना, वो है नंदी, तो जो नंदी है वो दो सिंगों वाला है और ब्रह्मी एक सिंग वाला है, कौन सा सिंह टूट गया वो है? अरे बैल है दोनों बैल है कि नहीं? दो बैलों की जोड़ी है ना, ठीक है, एक बैल टूट गया, एक सिंह टूट गया,
तो कौन सा सिंह टूट गया है? मालूम नहीं क्यों? वो एक सिंह से ही काम करता है, गेंदा देता है एक ही सिंह होता है। पहले यूपी का चित्र जो है वो शेर का दिखाया जाता था, देखा कि नहीं? अब गेंडा हो गया। वो एक सिंह वाला रहेंगे या दो सिंह वाला? एक सिंह वाला रहेंगे। उसके ऊपर कोई कितने भी बौछार करे, जूते की, चप्पलों की, डंडों की, लात की, भूसा की, उसके ऊपर कोई असर होगा? कोई कितनी भी ग्लानी करे लेकिन उसके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, नहीं है। उसको एक सिंह दिखाते हैं क्या? अगर कोई एक सिंह कहीं लग गया सीधा तो जान बचेगी? तो वो विनाशकारी है, वो एक दिन ही उसका इतना विनाशकारी है सारी दुनिया को परास्त कर देगा। बाबा याद करते करते मन इधर उधर भटक जाता है, है? मन इधर उधर भटक जाता है। हाँ, याद करते करते मन इधर उधर भटक जाता है। तो त्रेता कर्मों के पाप और पुण्य कर्मों की रील घूम रही है कि नहीं? घूम रही है। तो जिन्होंने ज्यादा पाप किए हैं उनका ज्यादा मन भटक जाएगा, और जिन्होंने कम पाप किए उनका मन कम भटकेगा। बाबा की याद करने का ज्यादा मौका मिलेगा। सिद्धला का एक रूप ऑर्डिनरी ईश्वर है, सिद्धला का एक रूप है ऑर्डिनरी ईश्वर। हाँ, क्या है ऑर्डिनरी का मतलब? है शरीर तो एक ही है, लेकिन एक ही शरीर में एक आत्मा अम्मा की प्रवेश है। कौन है अम्मा? ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश है। वो जगदम्बा के रूप में भी पार्ट हो जाती है। आदरणीय शोर हो गया क्या? आधा स्त्री और आधा पुरुष स्वरूप हो गया। और ये हीरो हीरोइन का कंबाइंड पार्ट है। जो जगदम्बा है वो तो डब्बा है, जो पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा अर्धनारीश्वर का भी पार्ट बजाती है शंकर के द्वारा। एक ही शरीर में डबल पार्ट दिखाई देता है। स्थापनाकारी भी है और विनाशकारी भी है। असुरों का संहार करने वाला है और देवताओं का, देवात्माओं का संवर्धन करने वाला है। दोनों ही पार्ट एक ही शरीर के द्वारा चलते हैं। अगर स्थापनाकारी ना हो तो राजधानी किसके द्वारा स्थापन होगी? क्या दादा जी ब्रह्म ब्रह्मा लोक के आवेंगे? हैं? नहीं, नहीं आते। अट्ठाईस दस दो हजार दो में मुरली पंडे 77 में है। कृष्ण को हरि नहीं किया जाए, कृष्ण को हरि नहीं कहा जाए, कृष्ण को हरि नहीं कहा जाए। हम तो जान गए ना कि विष्णु एक आत्मा का नाम है, या चार पांच आत्मा इकट्ठे होकर पाठ बजाती हैं उनका नाम विष्णु है। जितने जितने ब्रह्मा है उतने उतने विष्णु का टाइटल लेने वाले। ब्रह्मा को विष्णु, और जिस नंबर का ब्रह्मा है उसी नंबर का विष्णु का पाठ बजाना। वो कंबाइंड होकर के पाठ बजाते हैं तब विष्णु का रूप बनता है। तो अकेले हरि
को विष्णु नहीं कहा जाता, हमारे प्रसिद्ध ईश्वर को विष्णु नहीं कहेंगे। ब्रह्मा को एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा को चार पांच आत्माओं का नाम है ब्रह्मा, तो विष्णु बनते। और रविवार को अगर कोई पुराने व्यक्ति आ जाए, रविवार को अगर कोई पुराने व्यक्ति भाई आ जाए ज्ञान सुनने के लिए, तो हम उसको भगा देंगे या संगठन का जाएंगे? नया आदमी आ जाए, हाँ पुराने व्यक्ति बता लो हमारा संगठन का क्या चल रहा है, आप दूसरे टाइम पर आ जाइए। अगर उसका समय नहीं होगा कि अगर उसका समय नहीं होगा, अगर वो टाइम मिलेगा तो हमको फिर नहीं आना है। हमें हमें इसी हमें संगठन के टाइम पर ही आना है, रोज नहीं, रोज नहीं, ना रोज नहीं। अगर आ जाए हाँ तो हमको क्या करना चाहिए? तो ठीक है, संगठन पूरा हो जाएगा तो आपको अटेंड कर लेंगे। अभी हमारे पास हैंड्स की कमी है, आगे करके दो ही दो मंगवाई रखने पड़ेगी, सेंटरों करनी पड़ेगी नहीं। अभी सेंटर कम है, आगे चल के दिन दूने रात सौ सेंटर पड़ रहे हैं, मूल्य बोला है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा दो और आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय ले दो। आगे चल के सात सेंटरों पर लिखना पड़ेगा, क्या आध्यात्मिक ईश्वर कितने सेंटर हो जाएंगे, हजारों की तादाद में हो जाएंगे। मुरली ने भी बोला है करोड़ों की तादाद में तुम्हारी मुरली छपने लग पड़ेगी और लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे, तो फिर पीछे से ब्रह्म कुमार क्या पूजेंगी, पूजेंगी पूरी पड़ेगी कि नहीं, पूरी पड़ जाएगी कितनी होगी? बाप दादा की बात छोड़ो, यहाँ जो बात हो रही है वो बात करो। यहाँ बात हो रही है कि जब संगठन क्लासेस लगते हैं तो संडे संडे के संगठन क्लासेस में कोई नया आ जाए तो ब्रह्मा कुमारी बहन को उसे अटेंड करना चाहिए कि नहीं? सब है देखा जाए ब्रह्म कुमारी नहीं के लिए नहीं करना। अगर कोई गीता पाठशाला वालों के लिए वो आ जाए तो वो क्या करना चाहिए? तो गीता पाठशाला की जो इंचार्ज है वो पहले संगठन को देखेगी या पहले नए आने वाले जिज्ञासु को देखेगी, क्या करेगी? संगठन को तो देखना चाहिए, संगठन को तो देखना चाहिए, चाहिए तो बात खत्म हो गई, उसको टाइम अगला दे दो, आगे पीछे आ जाओ। बाबा हमारे जगन्नाथ के मंदिर में मंदिर के अंदर जाने के लिए 22 सीढ़ी का नंबर है, 22 यहाँ जो जगन्नाथ मंदिर है 22 सीढ़ियाँ है, 22 सीढ़ियों की बहुत गायन है, 22 सीढ़ियों का गायन है, कितने मतलब क्या है 22? मतलब ये है 21 जन्म जब खराब होते हैं खत्म होते हैं 21 जन्म तब कौन सी सीढ़ी उतरेगी, कौन से नंबर की सीढ़ी उतरे, 22वें नंबर की सीढ़ी उतरे, तब ही का जगन्नाथ का गायन है। जगत द्वापर युग से बनता है या सत्य त्रेता में जगत होता है, सत्य त्रेता में जगत नहीं होता है, कब होता है द्वापर और कलयुग में जगत होता है, जगत हमारे संसार सत्य त्रेता में किस में भारतवासी होगा पवित्र और ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है क्या अपवित्र है, सच्ची है कि झूठी है, झूठी कर दी किसी ने तो जब झूठी हो गई तो अपवित्र हो गई चीज, तुम खाना खा रहे हो तुमने थोड़ा पीछे को देखा कौन आया इधर से कुत्ता मुंह मार गया तो तुम्हारी थाली झूठी हो गई,
कि सुच्ची रही है, झूठी हो गई ना, वो सामने से देख रहा है भाई है। और तुमने कहा ये खाना अब हमसे नहीं खाया जा रहा, तुम खा लो बचुआ, तो खाएगा है? खाएगा ना बोल रहे ना बोल ना बोल रहे नहीं तो वो हो गई पूतना, जो पवित्र नहीं रही अपवित्र हो गई, विचारी बन गई, वो हो गई पूतना। और गुस्से में आती है तो हाथों में जो बड़े बड़े नाखून है उनसे नोच लेती है, सूखने से नाखून है उसके नोच खरोच करने के लिए, मैंने बहुत लड़ाई करती है, बात ऐसे ही नहीं लड़ती है, मौका आ जाए तो हाथ पांव चलाने में भी देरी नहीं करेगी, लड़ाई लड़वाई देती है। रावण के दरबार में सुपर्णखा ने झूठी बातें बोली या सच्ची बातें बोली? झूठी बातें बोल बोल के और अपनी सच्चाई साबित कर दी, रावण को क्रोध आ गया। तो ऐसी सुपर्णखाएं बहुत होती है, गलती तो होती है बुद्ध की, जिन बुद्ध की होती है वित्त वित्त करने की मुक्त पीने की, और अपने दरबार को जाके उल्टी आग लगाई देती है, कहना है हमारे साथ ऐसा किया, बस लग गई लड़ाई, उनको आ जाता पूतन, वो लड़ाई लड़ाने वाली को सुपर कार और पवित्र न रहने वाली को पूतन आ जाता है। মন্দির দেবি হিন্দি চিনে গে ডাক্তারে চিনে গে কান্দরে চিনে গে হাতে চিনে গে देवियों के सारे श्रृंगार दिखाई जाते हैं, तो क्या नारायण देवता के श्रृंगार नहीं दिखाए जाते? ऐसे देवियों के श्रृंगार ज्यादा दिखाते हैं, देवताओं थोड़े कम दिखाते हैं। इसका मतलब है कि देवियां गुणरत्नों को ज्यादा धारण कर लेती है, सहन शक्ति ज्यादा देवियों में होती है या ब्राह्मण देवताओं में होती है? देवियों में सहन शक्ति जो गुणों का राजा है वो जागती होती है, इसलिए भक्ति मार्ग में भी देवियों के देवियों को गुणरत्नों से ज्यादा सजाया जाता है। देवताओं थोड़ा कम दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि देवताओं में होते नहीं, कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। और उनका कहना है ज्ञान मार्ग में नहीं पहनने देते, ज्ञान में आने के बाद क्यों नहीं पहनने देते? ज्ञान में आने के बाद ये सब नहीं पहनना है ना, मना क्यों करते? देह के गुणरत्नों की बात है, स्थूल देह की बात हो रही है, स्थूल देह में भी जो पहनते हैं वो तो अपने देह समझते हैं, देह का श्रृंगार कर रहे हैं या आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं? वो तो देह का श्रृंगार कर रहे हैं ताकि देहवाणी हमको हमारे ऊपर गिरा हो जाए तो हम देखो नहीं तो हमें शिव बाबा मिल गया, आत्माओं का काम, वो हमको आत्मा बना हुआ देखना चाहता है या देह से सुंदर बना हुआ देखना चाहता है? वो आत्मिक गुण को देखेगा, देह के अलंकार थोड़े देखने आया हुआ है। शिव का मंदिर में जो लिंग का ऊपर घड़ा रखते हैं, बूंद बूंद कर पानी निकलते हैं, उसका मेहनत का राज है। मेहनत का राज ये है कि घड़ा होता है बुजुर्ग की घड़ा, और देखा होगा कि एक ही घड़ा नहीं होता है सभी मंदिरों में, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा होता है, दूसरे घड़े के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा घड़ा,
तेज वाला जो बुद्धि रूपी घड़ा है उसने नीची तेज वाले बुद्धि रूपी घड़े को ज्ञान दिया, उससे भी नीची तेज वाला कोई घड़ा है उसने उसको दिया, फिर उसने उससे दिया। तो नंबर बार नीची तेज वाले घड़े हैं जब वो लिंग जिसमें शिव प्रवेश करते हैं पहली पहली बार जब ज्ञान में आता है तो वो मिट्टी के घड़े उसे ज्ञान देते हैं कि नहीं, किस रूप में ज्ञान देते हैं? हैं? वो ब्रह्मा कुमार कुमारी है मिट्टी के घड़े जो उसको बूंद बूंद करके ज्ञान देने के निमित्त बनते हैं। तो भक्ति मार्ग में जो निमित्त बने थे वो ज्ञान मार्ग में जो निमित्त बनते हैं वो फिर भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ये बात कि लिंग के ऊपर बूंद बूंद करके पानी रखा है, जैसे कि सूर्य को लोग जल चढ़ाते तो सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश देने वाला है या खुद ज्ञान जल लेने वाला है? सूर्य तपता है तो सागर में जो गर्मी आती है उससे सारी दुनिया को ज्ञान जल मिल जाता है, सूर्य को कोई ज्ञान जल क्या देगा? ये भक्ति मार्ग सारा कहां से निकला? संगमित से निकला। बेसिक में जब लिंग के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा ज्ञान में आती है उस समय की ये भक्ति मार्ग की यादगारें हैं, जो लिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं सूर्य के ऊपर जल चढ़ाते हैं उनको लिंग को स्नान कराते हैं पूजा करते हैं, बाकी शिव ज्योतिबिंदु की तो पूजा कुछ भी होती नहीं। रामायण में लिखा है जब बरात लेकर पार्वती को शादी करने के गए थे तो उसके गले में मुंड का माल था और किसके गले में? शिव का गले में। शिव का गले में शिव पार्वती के साथ शादी करने गए थे तो उनके गले में मुंड माल थी। मुंड माल जो है वो रुद्रमाला के मणकों की यादगार है। मुंड में आत्मा होती है कि देवान वो देह होती है आत्मा होती है, तो मुंड माला है आत्मा की स्थिति धारण करने वालों की यादगार। देवान धारण नहीं करते हैं वो मुंड जो है वो आत्माएं जो है जो रुद्रमाला के मणके हैं जिनको मुख दिखाई गए हैं रुद्राक्ष के मणकों को वो उनके गले के हार बनते हैं। कौन? विजयमाला के मणके नहीं, रुद्रमाला के जो मणके हैं वो शिव बाबा के गले का हार बनते हैं। विजयमाला के मणके शिव बाबा के गले का हार नहीं बनते हैं। इसलिए जब शादी करने जाते हैं तो उनके गले का हार कौन बने हुए होते हैं? रुद्रमाला के मणके ही जो मुंडमाला के रूप में दिखाई गए जिनको मुख होते हैं जिनको आंखें होती हैं एक एक आंख नहीं तीन तीन आंखें होती हैं वो उनके गले का बराबर में वो जाते हैं प्रेत भूत प्रेत जाते हैं। अगर भूत प्रेत ही तो बैठे हुए हैं जब कोई तो